आपकी परिभाषा में एक बात बताओ, कभी सर्कस नोटिस मिलती है नहीं क्या? कारण दर्शक नोटिफिकेशन क्या, इनका अर्थ क्या है? कल्पेश क्या अर्थ होता है सर्कस नोटिस? अर्थ क्या होता है कारण बताओ। एक छोटा सा प्रश्न आपको, भगवान खुद मुझे और आपको पूछे कि अगले जन्म में तुझे मुझे आंख देनी है, कारण बताओ किस लिए देना है? हम क्या कारण देंगे भगवान को, जवाब क्या देंगे? एक सौकर नोटी भगवान ने मुझे भेजी, इस जन्म में तूने आंख का ऐसा कौन सा सदुपया है कि अगले जन्म में मैं तुझे आंख दे दूं? समझ तो गए, मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके बेटे को 12,000 रुपया देने के बाद बेटा 15,000 मांगता है, आप बेटे को पूछता है 12,000 का तूने किया क्या? और वो ये नहीं बोलता कि पप्पा 12,000 जुगाड़ में आया था, सब खत्म कर दिए, अब भी तो आपके बेटे को नहीं देंगे? 12,000 देख करके मैंने एक जोखम उठा दिया, मगर वो 12,000 का तूने 15,000 नहीं पिया, 12,000 भी नहीं टिका, तू भिखारी बन गया, जुगाड़ में खेल दिया, अभी मैं तुझे कैसे पे दे दूँ? तो भगवान ये बोलते कि मैंने तुझे आँख दी, कान दी, पैर दिए, हाथ दिए, मस्तक दिया, इतना अच्छा तंदुरुस्त दिया, और अगले जन्म में तू यही मेरे से मांगता है, तो इतना बता दे इस जन्म में तूने इसका क्या किया कि अगले जन्म में मैं तुझे दे दूँ? आपके पास सॉकर्स नोटी का जवाब क्या है? भगवान, इस पैसे से मैंने कई इतने लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, इस आंखों से भगवान मैंने गुणवान और गुणी पुरुष का दर्शन किया है, इन पैर से न मालूम भगवान कितनी तीर्थ यात्रा की, कितना संघ छरी पलित संघ में गया और कितने पवित्र स्थान पे मैं गया हूँ। भगवान, इस मन से न मालूम मैंने कितनी अच्छी भावना की है। यदि आप इतना कह सकते हो भगवान सामने से कि दोस्त अगले जन्म में 100% दूंगा, और आप यही बोलेंगे भगवान जो भी पुण्य मिला उसे बिजनेस बढ़ाया है, जो आँख मिली उनसे टीवी सीरियल पिक्चर का दृश्य देखा है, जो मन था उसके नई सोचने का सब कुछ सोच दिया है, भगवान बोलते फिर अगले जन्म में ये डिमांड करना नहीं, 100% इनसे तो दूर रह जाएगा। आपका जवाब मुझे चाहिए। आपके व्यवहार में भी यही होता है जो मैंने पहले बता दिया, बेटे को तुमने दे दिया मगर बेटे ने समकवा दिया, दोबारा ना बोल देते अभी नहीं दूंगा, तो कर्म सत्ता भी यही बोलती कि सबको देने के बाद तूने दुरुपयोग ही किया है, फिर दोबारा और दुरुपयोग करेगा, बेटर है इससे तो दूर हो जा। मालूम क्या जवाब क्या है? नहीं, मैं जवाब चाहता हूँ, आप इसमें सिंसियर हो क्या? अगले जन्म में परमात्मा को ये सबको देने का तुमने कभी देखा नहीं ना? मैं इंदौर में था, ब्लाइंड स्कूल के लड़की मिलने के लिए आई थी, इनका टीचर था, 5-7 साल की लड़की थी, 5, 7, 8, 5, 7, 10, मोर देन टेन, और 12 लड़की थी, ये मेरे सब साधु तो वो टाइम नहीं थे, युग समा थे, हम सब बैठे थे, और लड़की ने कल्पेश गीत गाया। साधु होने के नाते हमें ऐसा तो कोई राग द्वेष होता नहीं है, मगर हारमोनियम चल रहा था, तबला चल रहा था, वो छोटी सी लड़की करीबन 6 साल की होगी, इसने गीत शुरू किया, वर्डिंग थे, मैं खुद रो पड़ा, और वो गीत के शब्द थे, भगवान सागर की ओर मैं जा तो सकती हूँ, मेरे क्लास टीचर भी अंगुली पकड़ करके कभी सागर की ओर मुझे लेते जाते हैं, सागर की आवाज़ मैं सुन सकती हूँ, मगर वो सागर का दर्शन मेरी आँख से मैं भगवान कर नहीं सकती हूँ। कभी कभी मेरे टीचर उद्यान में भी ले जाते हैं, पुष्प की सुवास की अनुभूति भी कर सकती हूँ, मगर वो फूलों का सौंदर्य मैं देख नहीं सकती। और ये बात करते 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 वहाँ तक क्लाइमेक्स पे आई, भगवान जिस माँ की कोख से मेरा जन्म हुआ है उस माँ के ममता का स्पर्श मैं कर सकती हूँ, मगर भगवान वो मेरी माँ को मैं कभी देख नहीं सकती हूँ, इनकी माँ सामने बैठी थी, उनकी आँख में जो आंसू चले उनको देख करके मैं रो पड़ा। भगवान मैंने छोटी उम्र में मुझे आँख नहीं दी, मैं तुझे पूछना चाहता हूँ भगवान मैंने कौन सा अपराध किया था, मैंने क्या गलत कर दिया था मुझे आंख से तूने वंचित कर दिया, ये मुझे सुन नहीं सकते थे, हम रोकना पड़ा भाई, टीचर को बोलना पड़ा भाई इनका गीत बंद करो, हम सहन नहीं कर पाते हैं। हड़ताल में गए, तुम कभी गए ब्लाइंड स्कूल में?
आपके बेटे को बर्थडे पे तुमने केक काटी और होटल में गए, कभी ले जाओ इनको ब्लाइंड स्कूल में, पता चलेगा क्या होता है आंख। कोई तुम्हारा मेरा पुरुषार्थ नहीं है, सिर्फ पुण्य की उदारता है। अब तक मेरा शरीर इतना अच्छा चलता है, कुछ मेरी ताकत नहीं, ओनली पुण्य। ये जब मैं बात करता तो मैं भी पॉसिबल, तुम लॉजिक लगाओ, तुम कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म सत्ता का सिद्ध मैथमेटिक्स से जो दिया इनका सदुपयोग नहीं है, अगले जन्म इनसे विरह हो जाएगा। देना 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, अनप शनप बात, मालूम नहीं कि तुम क्या जो काम कर रहे हो।